नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमें मिलने के लिए राधा जी आए हैं और वो बहुत दूर, मतलब कि सूरत से स्पेशली हमें मिलने के लिए आए हैं। यूट्यूब की हमारी बहुत सारी वीडियो देखी है इन्होंने और इनको लगा कि आज अहमदाबाद जाना है और हमें मिलना है, तो स्पेशली हमें मिलने के लिए आए हैं। 12 साल से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं, इनकी जर्नी कैसी रही उनके बारे में हम उनके मुंह से ही सुनेंगे। ये अगर कुछ गुजराती में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगी कि ये क्या कहना चाहते हैं। राधा बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? बस अच्छे जी। कहाँ रहते हो आप? सूरत जी। लाइन्स। ओके। और आपकी उम्र कितनी है? 74। तो कब से ये सिस्टम को फॉलो करते हो? 2010 में बीबी चौहान जब सूरत में आए थे और शिविर किए थे। हाँ जी। तब से मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। वहाँ से भी 10 दिन ग्रेप्स जूस पर रही थी। हाँ जी। वहाँ से भी मैंने एक ग्रेप जूस की ट्रेनिंग ली और आगे आगे भी मैं ग्रेप जूस हर बरस 25-30 दिन करती हूँ। ओके। और ग्रेप्स जूस करती हूँ तभी ग्रीन जूस लेती हूँ। अच्छा। और ग्रीन जूस भी ऐसे बनाती हूँ। हाँ। कि हर रोज में दूधी 4 आमला। हाँ। और मीठा लिमड़ा, फुदीनो, कोथमीर ने पालक। ओके। कभी काकड़ी, कभी कोड़ू, कभी दूधी, जो घर में अवेलेबल होता है वो लेती हूँ। हाँ, उसमें गुड़ भी डालती हूँ, नमक भी डालती हूँ और जीरा डालती हूँ, भुना हुआ जीरा डालती हूँ और ऐसे ग्रीन जूस बना के मैं 2-3 ग्लास पी लेती हूँ जी। और 3 बजे बाद में खाने का इच्छा होती है तो कोई फ्रूट और सलाद चटनी के साथ खाती हूँ जी। त्यार बाद में गाजर और बीट और काकड़ी का टमाटर का मैं जूस पीती हूँ। शाम को एक टाइम में खाना खाती हूँ जी। लेकिन ये जो सिस्टम मैं बार बार करती हूँ, दो नवरात्रा करती हूँ तभी मैं उपवास करती हूँ। उपवास में कभी नींबू का जूस पीती हूँ, कभी फ्रूट जूस पीती हूँ, पर पूरा दिन फ्रूट और जूस पर रहती हूँ, फ्रूट खाती भी हूँ। अच्छा। 9 दिन ऐसा रहती हूँ, 2 नवरात्रा, चैत्री नवरात्रा और आसो महीना का नवरात्रा, 2 नवरात्रा मैं करती हूँ। तो जब भी नवरात्रि करते हो तब बिल्कुल पकाया हुआ नहीं खाते? नहीं खाते। और एनीमा 2-3 टाइम कभी लेती हूँ एनीमा, जब भी नवरात्रा उपवास करती हूँ तभी जी, जी। और जब भी बीच बीच में मेरा छूट जाता है। हाँ। पर ये बार तो मैंने 1.5 महीने से बराबर अभ्यास करके किया है। हाँ। और चालू भी रखा है। झरना बेन का मैं अवर नवर वीडियो देखती हूँ। हाँ। और बात भी करती हूँ। अच्छा। आज मैं मिलने के लिए, पर मेरे को ऐसा हुआ मेरे मन से कि मेरे को करने का ही है। डायबिटीज मेरा नॉर्मल रहता है और मैं जब भी चालू किया तब से मैंने दवा छोड़ दी और जूस पर रही, ग्रेप्स जूस पर, तभी भी दवा छोड़ दी। और मेरे को कोई दवा छोड़ने का नुकसान नहीं होता है कि मेरे को चक्कर नहीं आता है, क्या अशक्ति नहीं होती, बल्कि मैं ये करती हूँ तो अंदर से इतनी एनर्जी आती है, इतनी स्फूर्ति आती है कि ना पूछो। तो आपकी बीपी की दवा या डायबिटीज की दवा, जब कोलेस्ट्रॉल की दवा करी, सबसे डायबिटीज की दवा बंद कर दी है। ओके। तो इनकी बीपी की, डायबिटीज की, कोलेस्ट्रॉल की दवा चली गई है और इनका वजन भी लॉस हुआ है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि 70+ की उम्र के बाद लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है, बैक पेन में प्रॉब्लम, नी में प्रॉब्लम, या फिर ये गोली वो गोली, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ये इनको कुछ भी नहीं करवाना पड़ता है और ये इतने शक्ति से भरपूर है, इतने ताजगी से भरपूर है। आपको कभी वीकनेस जैसा लगता है? जरा भी नहीं। वीकनेस तो लगती नहीं है। और ये जो ग्रेप्स जूस है ना, हाँ, उससे वर्ष भर की इतनी ताकत मिलती है जी कि ना पूछो। कोई भी काम करने, घर में गर्मा हो या बाहर हो, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को अशक्ति हुई, मेरे को एक खाना नहीं खाती है तो ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता जी। जी, अंदर से इतनी शक्ति आती है आप कल्पना नहीं कर सकते। जी जी, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं कि जो ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। बाकी तो जो दूसरे लोग हैं वो लोग सुबह शाम दोपहर रात गोलियां खा खा के मजबूरी से जी रहे हैं। यहाँ पे दर्द, वहां पे दर्द, ये इसमें तकलीफ, उसमें तकलीफ। आज दांत का
कुछ ट्रीटमेंट कराना है, कल फिजियोथेरापी के पास जाना पड़ता है, कभी बैक पेन में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी टेंशन हो जाता है, कभी कब्ज हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम को दूर करना है तो आपको न्यू डाइट सिस्टम करनी होगी। और किन लोगों को माफ़ किया जाए, जिन लोगों को ये सिस्टम के बारे में पता नहीं है उन लोगों को तो सब माफ़ कर देंगे, लेकिन जो ये पता है, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों को पॉट दिया, बहुत सारे लोगों को बुक्स दिए, लेकिन वो लेने के बावजूद भी वो नहीं करते हैं, उन लोगों को तो कोई माफ नहीं कर सकेगा। तो ये जो सिस्टम है वो ईश्वर की बनाई हुई सिस्टम है, तो जो भी ये सिस्टम फॉलो करेगा उसको 100% फायदा मिलेगा। मेरे को एक बार मैं गिर गई थी तो मेरा बॉल का ऑपरेशन हुआ था जी, तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि आपको इतना हेल्दी है। मेरे को बोला कि मेरे को लगा कि ये चूहा 72 वर्ष की उम्र में ये भाई तो गड़ी होगी, तो हाँ। मेरे को एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखा। अच्छा। फिर उसने देखा, जब दूसरे दिन ड्रेसिंग करने के लिए आए तो देखा अब तो जवान है। मैंने तो क्या सोचा था आपके लिए, हाँ मैंने बोला कि मेरा रिपोर्ट, आपका रिपोर्ट तो बहुत अच्छा है, डायबिटीज भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, और आपका एक भी रिपोर्ट बद्दा नॉर्मल है, एक भी रिपोर्ट में खामी नहीं है। अच्छा। आप कैसे गिर गए? हाँ। मैं भी वैसे पगथिया चढ़ के, मैं दादर हाँ। चढ़ती थी तब भी मैं गिर गई और मेरा ऐसा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद में 10 दिन में घर गई। सब लोग बोलते थे कि ये बॉल का ऑपरेशन ऐसा होता है आप खड़े ही नहीं रहेंगे, लेकिन 10 दिन बाद में घर में गई, घर में मैं पहले ही दिन में रसोई बनाई। पूरे साल में जब भी ग्रेप्स की सीजन आती है तो राधिका जी जो है वो एक महीने सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स पे रहते हैं, तो इनको हम पूछना चाहेंगे कि कितनी ग्रेप्स लेते हैं और ग्रेप्स में ब्लैक ग्रेप्स या फिर ग्रीन ग्रेप्स या इसका जूस पीते हैं या खाते हैं, वो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए एक महीना कैसे ग्रेप्स पे रहते हैं। ब्लैक ग्रेप्स मरती है तब भी तक मैं ब्लैक ही पसंद करती हूँ जी, और 500 ग्राम या किलो ले आती हूँ, जितनी चाहिए उतना संतोष होता है, 500 ग्राम से हो जाता है जी। पहले मैं ग्रीन जूस पीती हूँ, हाँ। बाद में मैं द्राक्ष का रस पीती हूँ 3 बजे, हाँ। फिर मैं 6 बजे भी रस पीती हूँ, और शाम को 100 ग्राम 50 ग्राम द्राक्ष खाती हूँ। अच्छा, इतना पूरा दिन ऐसा रहता है तो। और द्राक्ष में मैं आदू डालती हूँ, हाँ। और नींबू डालती हूँ। अच्छा, तो ग्रेप्स का जूस आप तो इंतजार करते होंगे पूरे साल, हाँ। की ग्रेप्स की कब सीजन आ जाए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उससे स्फूर्ति होती है, साफ हो जाता है। एनिमा भी 2-3 टाइम लेती हूँ जी, जब मैं अपास करती हूँ, हाँ। तब, और मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी। तो देखो, ये 74 की एज में अगर एक महीना ग्रेप्स पे रह सकते हैं तो जो भी इंसान ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये ट्राई करना चाहिए कि 10 दिन ग्रेप्स पे रहो या 15 दिन रहो या 5 दिन रहो या 4 दिन रहो, लेकिन ये बहुत ही अमृतमय चीज है कि जो कुदरत ने बनाई है। चाहे आपको ग्रीन मिल जाए, चाहे आपको ब्लैक मिल जाए, चाहे आपको चबा के खानी है, चाहे आपको जूस पीना है, कैसे भी, लेकिन ये कायाकल्प हो जाएगी। आपने जो पूरे साल अपने शरीर को जो गलत भोजन दिया है उसका पूरा का पूरा आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा कि आपने ये एक महीने तक ग्रेप्स का जूस पी लिया है। ये भी बताइए कि दूध के बनाई हुई प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। एक डेयरी प्रोडक्ट तो मैं कब से छोड़ दी है जी, और मैं कोकोनट का दूध निकालती हूँ, हाँ। 3 दिन चलता है, 1 लीटर निकलता है जी, 3 दिन चलता है, लेकिन कोकोनट का दूध ऐसे नहीं पीते हैं हम लोग। हम 2-3 खजूर, 2 हाँ। अंजीर, 4-5 बादाम, काजू, अखरोट, ये सब पलट देती हूँ, हाँ। भिगो के, हाँ। फिर दोपहर को 4 बजे या 5 बजे भूख लगती है तभी हम उसका शेक बना के पी लेते हैं। अच्छा, तो ये जो मिल्क शेक बनाते हो वो आप अकेले ही पीते हो कि घर में और कोई नहीं? मेरा इश्यू है नहीं, मैं हस्बैंड वाइफ हूँ, मेरा हस्बैंड भी यही काम करते हैं, और वो भी आज जी 12-1 बजे तक अपास करते हैं जी, 12-1 बजे बाद वो ग्रीन जूस पीते हैं, बाद में उसको फ्रूट और कुछ भी मिले तो खा लेते हैं। पर अखतर ऐसा करती हूँ मैं, हाँ। उसको बोलती हूँ कि 7 बजे आप पूरा खाना खा लो, हाँ जी। और बीच में फ्रूट जितना खाना हो तो खाओ, सूखा मेवा खाने का खाओ जी। उसका भी
61 किलो वजन था, अभी 57 किलो हो गया जी। मेरा 72 किलो वजन था, मेरा अभी 67 किलो हुआ है जी। आगे पर जो ग्रेप जूस पर रहूंगी तो, और निर्जरा उपवास करती हूँ कभी कभी, तो उसमें मेरा वजन ज्यादा कम हो जाता है। तो आपने निर्जला उपवास कितने किए हैं, मतलब कि एक अभी तक तो मैंने 5-6 किए हैं, पर बीच बीच में 2 करती हूँ, 1 करती हूँ, कभी 11 आती है तो पूरा दिन निर्जला रहती हूँ। शाम को बहुत तरस लगती है तो भगवान अगर साकर का पानी रख के मैं पिए। राधिका जी, आप 12 साल से ये सिस्टम से जुड़े हो, तो अभी आगे कितने साल तक ये सिस्टम करोगे? जितना हो सके उतना पूरी जिंदगी में तो करने वाली हूँ। हाँ? मेरे को बीमार होके हॉस्पिटल जाने का आने का ये मेरे को झंझट में पड़ने का नहीं है और दवाई लेने का नहीं है जी। इसलिए मैं ये कायम करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो छोटी उम्र में भी बीमार है और बड़ी उम्र में भी लोग बीमार होते हैं, तो आप पूरे देश को पूरे समाज को संदेशा दीजिए हेल्दी कैसे रहना है। हेल्दी तो एक ही बार है, ये प्रथा जो है बहुत अच्छी है, और नवी भोजन प्रथा NDX को YouTube में इतना आता है, और YouTube में देख देख कर भी थोड़ा भी करो तो भी जीवन सुधर जाएगा। हॉस्पिटल से लोग रोग से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, किडनी से मर रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आती है कि मेरे को ये करने का है जी। हेल्दी रहने का है। अभी मैं कोई टिकड़ी नहीं लेती हूँ, कोई जगह मैं हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ, कभी बीमार नहीं पड़ी हूँ। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। राजा जी, आप इतने दूर से सूरत से हमें मिलने के लिए आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको जी। थैंक यू।